हाँ जी दोस्तों, हारमोनियम गुरु एडवांस लेसन में आप सबका स्वागत है। आपने जैसे कि देखा, शुरुआत में मैंने आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त एक्सरसाइज बजा के दिखाई, जिसकी मदद से आप अपनी उंगलियों को बहुत फास्ट कर सकते हैं पियानो, हारमोनियम, कीबोर्ड या फिर किसी भी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। सबसे पहले तो अपन इस एक्सरसाइज को सीखेंगे जो मैंने आपको शुरुआत में बजा के दिखाई, और इस एक्सरसाइज के नोट्स आपको वीडियो में डिस्प्ले हो रहे हैं। सबसे पहले सवाल आता है कि इस एक्सरसाइज को बजाना कैसे। आप इस चीज़ को ध्यान से समझिए। इस एक्सरसाइज में टोटल आपके 8 पार्ट हैं, मतलब कि 8 लाइन हैं, 8 लाइनों में अलग अलग स्वर हैं। इनको समझिए कैसे बजाना है। तो देखिए, सबसे पहली लाइन में आप देखिए जो स्वर आपको बजाने हैं, सा गा पा सा, सा पा गा सा। हर एक लाइन में टोटल 8 स्वर हैं, ठीक है जी। तो हर एक लाइन को आपको दो बार बजाना है। जैसे कि पहली लाइन में जो स्वर है सा गा पा सा पा गा सा, तो ये आपको दो बार बजानी है, ठीक है जी। सेम एज इट इज अगर आप दूसरी लाइन में जाएंगे तो उसमें आपको जो स्वर लिख रखे हैं रे मा धा रे रे धा मा रे, तो मतलब कि ये भी आपको दो बार बजानी है। ये हो गई दूसरी लाइन। अभी तीसरी लाइन में जो स्वर हैं गा पा नी गा नी पा गा, तो इस लाइन में भी 8 स्वर है, तो ये भी आपको दो बार बजानी लाइन। देन चौथी लाइन में जो स्वर है मा धा सा मा सा धा मा, तो इसमें भी 8 स्वर है, तो ये भी दो बार बजानी लाइन आपको। देन उसके बाद नेक्स्ट लाइन है पांचवी लाइन, उसमें आपके जो पांचवी लाइन शुरू होगी पा से, तो उसमें देखिए पा नी रे पा रे नी पा, तो इसमें भी 8 स्वर है, तो इसको भी दो बार बजाना। देन उसके बाद आपकी जो छठी लाइन है धा से शुरू होगी धा सा गा धा गा सा धा, तो ये भी 8 स्वर है, तो इसको भी दो बार बजाना इस लाइन को भी। देन सातवीं लाइन में देखिए नी रे पा नी नी पा रे नी, तो ये भी दो बार बजेगी। देन उसके बाद आखिरी लाइन है आठवीं लाइन, तो उसमें जो स्वर है सा गा पा सा पा गा सा, तो ये भी दो बार बजेगी। तो टोटल 8 लाइन है, मतलब कि ये खाली आरओ है, मतलब एक बार ऊपर जाने का। सेम एज इट इज, जैसे आप दो दो बार बजा के ऊपर जाएंगे, सेम एज इट इज दो दो बार बजा के वापस आना है। तो जिस तरीके से मैंने इसको दुगुन स्पीड में बजाया, आप इसको स्लो स्पीड में बजा सकते हैं। आप चाहे तो शुरुआत में ये लय रख सकते हैं इसमें, तो आप ये लय रख के भी बजा सकते हैं। मतलब कि पहले इस एक्सरसाइज को याद करिए, अपनी फिंगर्स को बैठाइए, जब फिंगर्स बैठ जाएं फिर इसको दुगुन स्पीड में, चाहे आप कितना मर्जी फास्ट बजा लीजिए। ये तो प्रैक्टिस है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना फास्ट होता जाएगा, ठीक है। सो ये एक ऐसा एक्सरसाइज है, एडवांस एक्सरसाइज है, जिसकी मदद से आप अपनी उंगलियों को कितना मर्जी फास्ट कर सकते हैं। ये मैंने जैसे 120 का टेम्पो ले रखा है, 120 की टेम्पो में दुगन में बजाएंगे आप, 150 में बजाइए, 180 बजाइए, 200 250, जितनी फास्ट लेके जाएंगे उतना अच्छा हाथ चलेगा। सो ये एक एडवांस एक्सरसाइज है, जिसकी मदद से आप बहुत कम समय में अपनी उंगलियों को हारमोनियम, पियानो, कीबोर्ड के ऊपर तेज कर सकते हैं। सो आज से ही इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, जिसके फायदे बहुत ही अद्भुत हैं और बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको। उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, कोई भी दिक्कत हो कमेंट करिए। धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।